एक बार देवऋषि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं दिन रात भगवान विष्णु का गुणगान करता हूं, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्रीहरि मुझे ऐसा समझते भी हैं या नहीं। यह विचार कर नारद विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवन मैं आपसे एक बात पूछने आया हूं। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूं, पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए, क्या मुझसे भी बड़ा इस संसार में आपका कोई अन्य भक्त है। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वो बोले, नारद इस प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद जी बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद जी को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण कर लिया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले, नारद इस झोपड़ी में मेरा एक भक्त रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे भी बढ़कर किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या यह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। तो भगवान श्री हरि बोले, आओ तुम स्वयं ही जान लो। और इतना कहकर वे दोनों उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान वेशधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहां से आए हैं भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं पर अंधेरा घिरने वाला है, वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया, यह मेरा सौभाग्य है, बड़ी कृपा हुई है उनकी। बाहर दालान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान घर के अंदर गया और पत्नी से कहा, देवी दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को खाना परोस रही थी। आटे का बर्तन देखते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है और बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को पेट भरकर भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों पेट भरकर भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई में गया और जाकर पत्नी से पूछा, क्या कुछ और बचा है। पत्नी बोली, बच्चों के लिए मैंने कांजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कह उठे, माँ नींद नहीं आ रही है, तुमने अतिथियों को वो कांजी भी क्यों पिला दी। किसान ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान का भोग लगाने के बराबर होता है बेटा। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वो मेरे ही गुण गा रहे हैं। इस पर नारद जी बोले, यह तो कुछ भी नहीं है, मैंने भी तो कई दिन तक भूखे प्यासे रहकर आपका स्मरण किया है प्रभु। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान
भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रह सकते हैं, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्रीहरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। नारद और भगवान विष्णु किसान के साथ साथ खेत पर चल दिए। किसान बोला, यही है अपना खेत, यहाँ मैं काम करूँगा, गोविंद हरि। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा समय मिलता है तभी उनका नाम ले पाता हूँ। नारद ने कहा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिले। ओह समझा, नारद के मुख से एकदम निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम दो बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान किए रहता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हो। नारद जी की बात सुनकर श्रीहरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद, थोड़ा धैर्य धरो। विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद जी को दिया और बोले, नारद इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मुझे याद किया, कितनी बार मेरा नाम लिया। नारद बोले, एक बार भी नहीं प्रभु, करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्री हरि बोले, अब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर परिश्रम करता है, फिर भी दो चार बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी के अंतर चक्षु खुल गए। वे श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करता है वह ही तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त है। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।